हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज अपनी अगली क्लास है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की, जिसमें आपको एक टॉपिक पढ़ूंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको वो टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल एवं गति, जो कि ए एल पी लेवल टू का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें गति के समीकरण आते हैं, जिसमें एक आध नंबर पूछा जाएगा। तीन समीकरण है गति के, तो उस पर नंबर आते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में अवश्य आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो करो, नहीं तो ये चीज़ तो ज़रूर कर देना अगर आपको समझ में आए तो। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझ में आए तो अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और कोई आप सोशल मीडिया को कोई ऐप यूज करो तो उस पर शेयर कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूँ 15-20 मिनट में ही। कोई ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही है। दूसरे कोचिंग के बाद दो दो तीन तीन दिन लगा रहता है, दो दो तीन तीन घंटे इस टॉपिक पे, लेकिन अपन इस टॉपिक को 15-20 मिनट में, हाइएस्ट 25 मिनट में ख़त्म कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद इस टॉपिक में आपको मुझे लगता है कि तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, तो चले शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है, इंग्लिश में लिखता हूँ, स्पीड एंड वेलोसिटी। हिंदी में बोले तो चाल एवं गति, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का टॉपिक है। वैसे तो जो आईटीआई बैकग्राउंड से उनको तकलीफ आती है इस टॉपिक में, लेकिन जो पीसीएम से है, जिसके 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ या बायोलॉजी थी, उनके टॉपिक में समय प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनके 11th में ये टॉपिक शुरुआत में आ जाता है। 10 इधर साइंस में ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है, 11th में फिजिक्स में ये टॉपिक दिया हुआ है। तो ठीक, तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ आती है ये मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एक तो यू, एक वी, एक ए, एक एस और एक टी। ये पांच जो अंग्रेजी वर्ण मतलब अल्फाबेट है, ये यूज में लिए जाते हैं इस टॉपिक में, क्योंकि इसमें गति के तीन समीकरण है, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण। तो उस समीकरणों में यही सिंबल काम में लिए जाते हैं। तो यू को उसमें किस नाम से जाना जाता है? यू को जाना जाता है प्रारंभिक वेग। वी को जाना जाता है किसी वस्तु का अंतिम वेग। ए को जाना जाता है त्वरण, इंग्लिश में कहें तो एक्सीलरेशन। यह है वस्तु या कण द्वारा चली गई दूरी। टी तो आपको पता ही है, समय, जिससे किस में लेते हैं? सेकंड में। ये पांच चीजें आपको ध्यान में रखनी है, इसके बाद आपको तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, क्या क्या है? यू प्रारंभिक वेग, वी अंतिम वेग, ए त्वरण, एस चली गई दूरी, टी टाइम। इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये एक्सीलरेशन ही है। एक तो ये ध्यान रखना, चली गई दूरी एस, और इन दोनों को कैसे ध्यान रखें कि अंग्रेजी वर्ण में पहले क्या था? यू, तो प्रारंभ में आता है यू तो प्रारंभिक वेग, वी आता है बाद में तो अंतिम वेग। ये भी समस्या खत्म। गति के समीकरण, प्रथम समीकरण। चलो समीकरण स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता देता हूं कि क्या चीज है वो। वो चीज ये है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ता है चाल, यानी कि स्पीड। सबको पता है स्पीड क्या चीज होती है, वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी। ये तो हो गई दूरी। सॉरी फ्रेंड्स, यहां ध्यान रखना, इक्कीस समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ये चीज है चाल।
चाल को किससे डिनोट करते हैं? एस स्पीड। एक के समय में वस्तु द्वारा इन चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आप सबको पता है कि चाल निकालने का फॉर्मूला क्या? दूरी बटा समय। ठीक है, ये हो गई चाल। और इसमें एक चीज़ है, एक चाल कैसी राशि है तो ध्यान रखना है, अदिश राशि है। अदिश राशि, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ठीक है, इसकी इकाई, इकाई क्या है? दूरी को किस में लेते हैं? मीटर में। समय को किस में लेते हैं? सेकंड में। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। हो गए काम खत्म, चाल का। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। एस पूरा हो गया, एस बराबर दूरी बटा समय। अदिश राशि इकाई मीटर प्रति सेकंड। दूसरी अपना क्या आता है चाल के बाद? क्या आता है चाल के बाद? आता है अपना वेग। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। क्या बोला था? वेलोसिटी। वेग को वेलोसिटी बोला जाता है, डिनोट करता है वी से। वी कौन सा वी? तो वी है बड़ा वाला वी, अंतिम वेग वाला वी नहीं, बड़ा वाला वी है। तो निश्चित दिशा में क्या बोला जाता है? निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में चाल को वेग की परिभाषा दी जाती है। निश्चित दिशा में किसी वस्तु की चाल को वेग कहा जाता है। या फिर दूसरी क्या है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। ये फर्क है चाल में और वेग में। इसमें क्या लग जाता है? किसी वस्तु द्वारा एक ही समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। अब इसको दिशा क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसमें दिशा के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। वेग को भी कैसा लेते हैं? दूरी बटा समय। इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वेग दो तीन प्रकार के होते हैं, अचर वेग होता है, परिवर्ती वेग होता है, औसत वेग होता है, लेकिन वो इसमें आपके काम के नहीं है। अब आपको गति के तीनों समीकरण बता दूं मैं। एक आपको विस्थापन और दूरी में अंतर बता दूं, विस्थापन व दूरी में क्या अंतर है, ये बड़ी काम की चीज है। तो फ्रेंड्स, दूरी जैसे एक मैं इस रेक्टेंगल के माध्यम से बताता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई वस्तु या गाड़ी घोड़ा कुछ भी है, ये कोई कण है या वस्तु है, इसको जाना है यहाँ पर, तो ये हाईवे है और पहुँच गया यहाँ पर, यानी कि ये इस स्थान को ए से डिनोट करता है, इसको बी से डिनोट करता है। ये डिस्टेंस मान लो 10 हो गई, ये होगी 5। ठीक है, तो ये यहाँ इस हाईवे से पहुँचा तो इसको कितना चलना पड़ा? 15 किलोमीटर। अगर इसको ये एक बीच में से क्या कच्चा रूट है, तो ये एक इसमें से इस रास्ते से जाए तो ये मान लो 12 किलोमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो ये और ये मिला के ये क्या हो गई? दूरी। और ये सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। कुल मिला के इसकी परिभाषा ये निकल जाती है। किसकी परिभाषा? विस्थापन की। विस्थापन की परिभाषा ये निकल जाती है, एक निश्चित दिशा में,
निश्चित दिशा में, क्योंकि सदिश राशि है तो दिशा जरूरी है, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत है, ये बिंदु ये हो गया, ये बिंदु ये, लंबवत दूरी, ये क्या कहलाती है? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन दूरी हमेशा क्या होती है? दूरी दूरी ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव ही होती है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये चीज और ध्यान रखने वाली है। विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये हो गए, मैंने आपको इसका मात्रक बता दिया मीटर प्रति सेकंड, और विस्थापन समझा दिया, विस्थापन लंबवत दूरी होती है दो कणों के बीच की, और प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया दूरी और विस्थापन। अब एक चीज और बच गई, एक चीज तो क्या बच गई, अब आपको समझा दूं मैं कि क्या होता है त्वरण। त्वरण अपन, मैंने आपको बताया ए से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन, पूरी स्पेलिंग तो ACC एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ये स्पेलिंग है पूरी इसकी, लेकिन अपने को पूरी स्पेलिंग नहीं जाननी है। त्वरण है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर कैसे होती है? तो समय के सापेक्ष वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। त्वरण भी एक सदिश राशि है, कैसी राशि है? सदिश राशि। त्वरण भी सदिश राशि है, और इसकी इकाई क्या है? तो इसकी SI इकाई या SI मात्रक कहते हैं, तो वो है मीटर प्रति सेकंड, इसका ऐसा ही मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या है, वे त्वरण बढ़ता है, तो अगर बढ़ता है तो वो त्वरण हो गया, और अगर त्वरण घटता है यानी किसी वस्तु की स्पीड कम होती जा रही है तो उसको त्वरण मंदन कहते हैं। मंदन मतलब धीरे, या इंग्लिश में बोले तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहते हैं इंग्लिश में इसको, मंदन। ठीक है, ये हो गया त्वरण। अब इस त्वरण से ही इसकी परिभाषा आएगी, गति का प्रथम समीकरण अपन फाइंड आउट करेंगे त्वरण की परिभाषा से ही। तो फ्रेंड्स, त्वरण क्या होता है? त्वरण मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, लेकिन इसको निकालने कैसे? मान लो आपको दो गति दे दी, समय दे दिया, तो त्वरण ज्ञात करो। तो त्वरण क्या होता है कि वस्तु या कण का प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बट्टा समय। अब जैसे कोई वस्तु या कोई बाइक है, ठीक है, ये यहां से चलना शुरू करती है तो यहां तक आएगी, तब तक इसकी स्पीड तो बढ़ेगी बढ़ेगी निश्चित है। तो ये हो गया प्रारंभिक वेग, इसका वी से डिनोट करता है, ये हो गया, सॉरी, प्रारंभिक वेग ये हो गया, और ये हो गया अंतिम वेग। तो यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे तब तक स्पीड में वृद्धि होगी, तो प्रारंभिक वेग होगी यू माइनस वी अपॉन टी। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये हो गया त्वरण, और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको कहते हैं अपन मंदन। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की फॉर्मूला, यू माइनस वी अपॉन टी, या फिर वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, और इसी से क्या आती है? गति की प्रथम समीकरण कैसे आती है? गति की प्रथम समीकरण क्या है? वी बराबर यू प्लस ए टी, इधर चला जाना है। तो क्या होता है, इधर से बता दो आपको, ए क्या हो गया? ए टी बराबर यू माइनस वी, और यहाँ क्या आ गया? ये यू इधर आ गया तो प्लस का हो गया, वी बराबर यू प्लस ए टी। यह है गति का प्रथम समीकरण। कौन सा समीकरण? प्रथम
प्रथम समीकरण गति का, ठीक है। वापस आपको तीनों समीकरण बता दो एक बार एक साथ ही, ताकि दिमाग में रहे। तो गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ v बराबर u प्लस a इंटू टी, ये तो हो गया प्रथम समीकरण, ठीक है। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, एक्सेलरेशन, समय, सेकेंड समीकरण। s दूरी, u इंटू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर, दूसरा समीकरण, ठीक है। दूसरा समीकरण गति का, ये प्रथम समीकरण ऊपर वाला, ये दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये तीनों समीकरण हो गए गति के। एक चौथा समीकरण और है, जिसके द्वारा कण द्वारा n में सेकेंड में चली गई दूरी फाइंड आउट की जाती है, लेकिन वो काम का नहीं है, बाद में बता दूंगा वो आपको अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। अब इस पे मैं आपको एक नंबरिकल समझा देता हूँ, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, श्योर है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। अपना प्रश्न है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से जा रही है या गति से जा रही है, ब्रेक द्वारा 10 सेकंड में विराम में लाए गए त्वरण मंदन मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपना नंबरिकल है, इसी टाइप का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो दोस्तों, अपने पास क्या क्या दी, तो इसकी गति दी हुई है, गति कितनी दी हुई है, गति है प्रारंभिक वेग, कितना है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा दी हुई है, यहाँ पूछा मीटर प्रति सेकंड में, इसको अपने को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये कौन सी है, बड़ी राशि है, तो उसको छोटी में कन्वर्ट करना है, तो छोटी राशि ऊपर रखेंगे और बड़ी राशि नीचे रखेंगे, ये कट गया तो क्या आ गया, 18 54 3 × 5 यानी कि 15 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग है 15 मीटर प्रति सेकेंड, और अंतिम वेग क्या है, अंतिम वेग v ये क्या है 0 मीटर प्रति सेकंड। समय कितना दिया हुआ है, t बराबर 10 सेकंड। त्वरण यानी कि त्वरण मंदन रिटार्डेशन ज्ञात करना है, तो पहले तो अपने को इसका एक्सीलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सीलरेशन बराबर क्या आता है, v माइनस u अपॉन t बराबर क्या हो गया, v कितना 0 - 10/10 कितना हो गया 1 मीटर प्रति सेकंड, ये माइनस में है तो क्या हो गया मंदन, ठीक है। ये हो गया ए की वैल्यू क्या आ गई, 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये त्वरण हो गया। अब पूछा गया इसमें मीटर प्रति सेकंड में त्वरण या मंदन ज्ञात करना है, तो ये तो हो गया त्वरण मंदन, लेकिन एटलीस्ट अपने को पूरा ज्ञात करना है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपने को बराबर क्या करना, 1 × 60 × 60 × 60 × 60 कितने को भाग देना है, 3 जीरो का। तो दोस्तों ये आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है, तो 12960 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये चीज हो गई। समझ में आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको नंबरिकल पूछा जाएगा। अगले वीडियो में 4-5 नंबरिकल और करवाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, फिर देखने में तकलीफ होती है, ठीक है, बाय बाय।